इस समय मैं हूँ बैठे हुए शर्मा जी के यहाँ, और शर्मा जी के हम चाय पी रहे हैं। लो बताया तो था ही भाई, इसका जो कप है थोड़ा बहुत छोटा हो गया है, हल्का सा छोटा हो गया है, क्या करें भाई, आ जाते कभी कभी ना, मजा आता है यहाँ पर चाय पीने में। सो अभी यहाँ पर हम लोग ट्रे लेके आए हैं और चाय समोसा, ज्यादा इतना सब कुछ मैं नहीं खाऊंगा लेकिन है, तो अभी मैं अभी क्या करता हूँ, अभी खाता हूँ फिर अभी, और फिर दिन में फिर एक जगह जाना है। अभी हम अभी क्या करते हैं, हम अभी इसको खाते हैं और खाने के बाद यहाँ से हम भी निकलते हैं। ओके सो जैसा कि इस समय तुम लोग इस समय देख सकते हो ना भाई साहब, मैं अभी आया हूँ अपने रेगुलर स्पॉट पे, ऐसे सन भैया इधर ही है यहाँ पर। भाई साहब आप देखो मेरी, तुम लोग ना मेरी किस्मत बेसिकली देखो, ये इतनी खराब किस्मत है ना मेरी, कल वाली वीडियो में, कल या परसों वाली वीडियो में मैंने बेसिकली तुम लोग को बताया नहीं था कि मेरे बाइक का जो है वो इंडिकेटर वो घुस गया है, उसके अंदर पानी चला गया। आज सोचो आज तुम लोग क्या हुआ, आज सुबेरे सुबेरे मैं उठा, मेरे फोन पे एक फोन आया, मैंने ऐसे करके कान पे लगाया, हेलो हेलो हेलो, तो भाई साहब आवाज ही नहीं आ रही है, फोन कट गया। मैंने कहा जो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, मैंने दोबारा मैंने कॉल लगाया, फिर हेलो हेलो आवाज ही नहीं आ रही है, ना मेरी आवाज उधर जा रही है ना उधर की आवाज ना इधर आ रही है। फिर मैं भाई साहब हेलो हेलो हेलो, मैंने दो चार बार मैंने हेलो हेलो किया। भाई साहब मेरे को बाद में जाके पता चला इसका, ये जो तुम लोग ऊपर वाला ये जो स्पीकर देख रहे हो, जो रिसीवर होता है भैया, ये बोल चुका है। या मैंने एक साल पहले मैंने ये फोन लिया था, ऊपर वाला स्पीकर बोल चुका है। कि क्या किस्मत है भाई साहब, मैं किस्मत की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मैं बात मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि जस्ट अभी एक महीने पहले इसकी वारंटी वॉइड हो चुकी है। वाह क्या बात है सर। पता नहीं भाई साहब क्या किस्मत है कि ऐसे टाइम पे खराब हुआ जब इसकी जो वारंटी वॉइड हो चुकी है ना, यहाँ पर गाड़ी में तेल अलग से जा रहा है, फिर उसके बाद फिर पता नहीं गाड़ी में तो दिक्कत होती रहती है, अभी फोन भी अभी खराब हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब जाते हैं यहाँ से अब सर्विस सेंटर में, रेडमी शाओमी के सर्विस सेंटर में, और सर्विस सेंटर में जाके भाई साहब मैं अपने फोन बनवाता हूँ यार, मतलब दिमाग का दही हो गया है पूरा। ओके सो अगर तुम लोग अगर ये अगर सोचोगे ना मैं इस समय मैं कहाँ पर इस समय आ गया हूँ, इस समय बेसिकली मैं खड़ा हूँ नेक्सा हजरतगंज में, यहाँ पर बेसिकली दो कार्स के बारे में पता करने के लिए आए थे है ना। और ये सर शाहनवाज ये सर हमें मिले, हमें मतलब काफी अच्छे तरीके से हमें ग्रीट किए है ना, कार के बारे में हम लोगों को बताया, एक भैया है उनको लेनी थी कार है ना, तो उन्होंने हम लोगों को भेजा था कि यहाँ पर आके कोटेशन यहाँ पर लेके चले जाना। इस समय बाय द वे इसमें मैं हूँ नेक्सा हजरतगंज में, और एड्रेस इसका नेक्सा बाय द वे इस वाले शोरूम का नाम है आनंद मोटर एजेंसी। काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, ये ब्रोशर यहाँ से मिला है। अभी क्या है ना सर, इससे पहले हम लोग नेक्सा में थे लेकिन अभी हम लोग आए यहाँ पर हुंडई में, मतलब ह्यूंडई देखो, मतलब यहाँ पर i20 देखने आए थे, वहाँ पर बलेनो देखे थे, तब अगर पॉसिबल अगर हुआ तो तुम लोगों को मतलब रिव्यू एकदम मस्त एकदम देखने को मिलेगा। अभी तो कुछ भी नहीं है भाई, अभी सिर्फ अभी कोटेशन अभी लेके जा रहे हैं हर जगह से, अगर तो ना अभी ये वाला काम अभी खत्म हो गया है, तो हम लोगों ने आज ब्रांड आज एकदम तलाश लिए हैं। अभी यहाँ से उठ के जाते हैं हम लोग रेडमी के सर्विस सेंटर में, और वहाँ पर जाके ना बेसिकली मैं अपने फोन भाई साहब मैं ठीक कराता हूँ, नहीं तो भाई मैं झेल जाऊंगा अगर ऐसे अगर चलता रहा। मतलब किसी का भी फोन आता है लिटरली मैं बता रहा हूँ, सीधे ये फोन जो है ना सीधे कान पे लगता है, आवाज ही नहीं आती है। ऑलराइटी सो गाइस क्या है ना, अभी जो शाओमी का जो शोरूम है वो यहाँ पर लेख राज में कहीं पर तो है, कि देखना पड़ेगा कि वो शोरूम है कहाँ। वो बेसिकली मैं पहले कभी शाओमी के मैं कभी शोरूम पे कभी गया नहीं, यही है क्या। इस समय रेडमी के सर्विस सेंटर में समय में आया था, छोटे से स्पीकर का भाई 750 रुपए लोग चार्ज कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है लेकिन इसी बिल्डिंग के अंदर है, तो वारंटी होती तब भाई तब फ्री में होता, ये तो 700 रुपए उनको देना पड़ेगा अगर चेंज होगा तो। ना उसने ना चेक किया ना कुछ किया, होगा सीधे सीधे मुंह पे ऐसी प्राइस बता दी है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अभी निकलता हूँ घर, थोड़ा खाना वाना खाता हूँ ना, कबाब पराठा है ये तो, कबाब पराठा अच्छा बनाता है ये। ऐसा अभी वहाँ पर तो अभी काम अभी हो नहीं पाया, वहाँ पर अब काम नहीं हो पाया, घर पे जाके मतलब फिर वही दाल चावल मिलेगा। तो अभी मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इस समय मैं लेखराज गई हूँ, मतलब उस तरफ से चल मैं इधर आ गया, यहाँ पर एक कबाब पराठे वाला है, मतलब क्या आप लोग, मैं बेसिकली मैं कबाब पराठा खा रहा हूँ, ये देखो ये कबाब पराठा है ना, ये कबाब है बेसिकली नॉन वेज वाला नहीं है, ये वेज वाला कबाब है, वेज वाला कबाब वो दाल वाल का बनता है, पता नहीं किस किस चीज़ की दाल ये लोग बनाते हैं, वो उसका बनाते हैं। अभी मैं भी ये खाता हूँ, और फिर खाने के बाद भाई साहब मुझे ना अपने कैमरे की भी बैटरी मुझे बेसिकली चार्ज में लगानी है, क्योंकि कैमरे की बैटरी भी ठुस होने वाली है।
कबाब पराठे जो खाए थे सही था, उसकी चटनी बेसिकली उसका जो ग्रेवी होते हैं, अगर तुम लोगों को नहीं पता ना यहाँ पर ग्रेवी यहाँ पर दी जाती है, उसकी ग्रेवी सही थी। और पराठा जो था पराठा ठंडा हो गया था, थोड़ा वो कुरकुरा टाइप का हो गया था, मतलब अगर सॉफ्ट अगर होता है गरम गरम होता है तब सही रहता है, लेकिन अब चलो सॉफ्ट हो गया था, हम भी ब्लॉग कर रहे थे, मतलब ब्लॉग करने की वजह से ठंडा हो जाता है, तो इसी वजह ठंडा हो गया था। मैंने अभी खा लिया, अभी मैं अभी निकलता हूँ, अपने कैमरे की अभी बैटरी अभी चार्ज पे लगाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो कैमरा की बैटरी चार्ज होने में टाइम लग गया थोड़ा सा। अरे 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 भाई साहब, कैसे कैसे लोग चलते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि इस समय तुम लोग देख सकते हो भाई मेरे बाल एकदम पूरे खराब हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दबाजी में मैं बेसिकली मैं यहाँ पर आया हूँ। ये अभी देख सकते हो भाई अभी पूरी इस समय रात इस समय हो चुकी है, मतलब कैमरे पे मत जाना है, कैमरा भाई बहुत ज्यादा घोड़ा दिखा रहा है इस समय, अभी इतनी ब्राइटनेस है नहीं। जैसे कि तुम लोग इस समय देख सकते हो मैं इस समय यहाँ पर आया हूँ, मैं बेसिकली मैं यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि भाई मुझे वीडियो खत्म करना है, इसीलिए भाई साहब मुझे जल्दबाजी में मुझे यहाँ पर आना पड़ा रात होने से पहले, क्योंकि भाई शाम अगर हो जाएगी ना तो बहुत ही अजीब लगने लगता है। इस तरफ तुम लोग जैसे कि इस तरफ देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर पानी पता नहीं कैसे फैला हुआ है, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ की धुलाई इस समय हुई हो। तो मैं अभी क्या करता हूँ भाई साहब, मैं भी निकलता हूँ अपने घर, तुम लोग भी जाओ अपने घर। अगर चैनल पर अगर पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर ये वाली वीडियो बेसिकली अगर तुम लोग अच्छी लगी होगी ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम भी निकलते हैं अपने घर, तुम लोग भी निकलो अपने घर। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब नेक्स्ट वाला ब्लॉग क्या होता है कल ही मिलते हैं। ऐसा 5 से 7 किलोमीटर तक मैं यहाँ तक सिर्फ मैं यही मैं बोलने के लिए आया था, ये बताने के लिए तुम लोगों को कि मैं अभी जा रहा हूँ घर। क्या नेक्स्ट लेवल की एकदम आरे नहीं चल रही है, फिर जाओ अपने घर, टाटा बाय बाय, सी यू, बोलता तो हूँ नहीं और बोलूंगा भी नहीं। चलो बाय बाय।